नीलांबुजस्यामलकोमलांगं सीता समारूपित वामभागं पाणौ महासायिक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री व्यास उवाच। व्यास जी ने कहा, एकदा नैमिषारण्ये ऋषया शौनकादया प्रापृच्छुक मुनिया सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। जो सूत जी हैं वो सभी पुराण और वेदों के जानकार हैं। श्री व्यास जी महाराज जिन्होंने 18 पुराण और 4 वेदों की रचना की है, ऐसे उन व्यास जी महाराज से उनके जो शिष्य हैं सूत जी से सभी ऋषि मिलकर के पूछने लगे कि इस कलयुग में ऐसा कौन सा व्रत है, व्रतेन तपसा किंबा प्राप्त वांछितं फलम्। ऐसा कौन सा व्रत है जिससे जिस मन में जिसकी जो भी कामना हो वो उसकी कामना पूर्ण हो सके, ऐसा हम कुछ सुनना चाहते हैं। तब सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, जैसा आपने पूछा है ऐसा ही एक बार नारदे नैव संप्रष्टो भगवान कमलापति। एक बार नारद जी ने कमलापति यानी भगवान नारायण से एक प्रश्न किया। एक बार क्या हुआ कि नारद जी अनेकों लोकों में घूमते हुए और मृत्यु लोक में आए, यहां उन्होंने देखा कि बहुत से लोग जो जिनका जन्म हुआ है नाना योनि समुत्पन्ना क्लेश्यमानान स्वकर्म भी, अपने कर्म के कारण वो सब दुखी हो रहे हैं, अलग अलग जन्म लेकर के वो सब दुखी हो रहे हैं, तो इन सब का दुख कैसे दूर हो सकता, ऐसा मन में विचार करके वो भगवान नारायण के पास जहाँ भगवान निवास करते हैं क्षीर सागर में, वहाँ भगवान गए और वहाँ क्या देखते हैं, तत्र नारायणम देवम शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम। भगवान की देखा, भगवान का शुक्ल वर्ण है, 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख चक्र गद गदा और पद्ममाला वनमाला से विभूषित हो रहे हैं। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम, उनको देखा कि भगवान बहुत सुंदर, उनकी शोभा हो रही है, उनकी स्तुति करने लगे कि भगवान आपको प्रणाम है, आप अनंत शक्ति के संपन्न हैं, मन और वाणी से भी आपको कोई पा नहीं सकता, आपके गुण अनेक हैं, सबके जो जितनी भी जीव जंतु हैं सब भूतों के दुख को हरने वाले प्रभु आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जब नारद जी ने इस प्रकार स्तुति की, भगवान ने कहा कि आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है, आप निसंकोच होकर मुझे बताइए। तब नारद जी ने कहा कि प्रभु मृत्यु लोके जना सर्वे, मृत्यु लोक में जना सर्वे सभी जन लोग बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त कर रहे हैं, बहुत दुख प्राप्त कर रहे हैं, उन सब का दुख कैसे दूर हो सकेगा, ऐसा कोई उपाय आप हमें बताइए। भगवान ने कहा कि आपने बहुत अच्छी बात पूछी है और एक लोक जिससे लोक का कल्याण होगा, जनता का कल्याण होगा, यदि वो अच्छी विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करते हैं और भगवान की फलदायिनी कथा को सुनते हैं तो मनुष्य के यहाँ सुख भोग करके और अंत में मृत्यु लोक में वहां भी मरने पर भी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। नारद जी ने कहा कि क्या फल है, किम फलम किम विधानम कृतम के नैव तद्वतम, क्या फल है, किस दिन करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, सब हमें विस्तार से बताइए। भगवान ने कहा दुख शोक को समन करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य को संतान को देने वाला, सभी जगहों पर विजय दिलाने वाला, यह सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत है और सत्यनारायण देव को जो शाम के समय में भगवान का पूजन करते हैं ब्राह्मण बंधुओं के साथ में, ब्राह्मण को बुला करके भगवान के लिए नैवेद्य के रूप में केले का फल, रंबा फलम घृतम क्षीरम गोधूम अस्त चूर्णकम, केले का फल, घी दूध, गेहूं का चूर्ण, और गेहूं का अगर चूर्ण ना मिले, आटा ना मिले, तो चावल का आटा बना करके जो भगवान के लिए नैवेद्य के
युक्त हो, ऐसा गुड़ या शक्कर उसमें जो डाल करके नैवेद्य को भगवान को सवाया मात्रा में अर्पित करना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहिए और इस प्रकार अपने बंधु बांधव के साथ हो सके तो भगवान का थोड़ा रात्रि में भजन का आयोजन करते हुए जागरण करना चाहिए, फिर पूजन करके अपने घर को जाना चाहिए, ऐसा कहा गया। ऐसा जो करते हैं एवं करते मनुष्याणाम वांछ सिद्धि, उनको जो उनकी इच्छा होती है वो पूरी प्राप्त होती है। विशेषकर कलयुग में भूमि पर यही मोक्ष का सबसे छोटा सा उपाय है। जय जय स्कंदी पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण पुरुष कथायाम प्रथम अध्याय, बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।